गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं सुषमा तिवारी लिटिल फ्लावर स्कूल सलेमपुर से आपको एकांकी संचय का सैटरडे को उसका उद्देश्य, पाठ का कथानक, लेखक परिचय और फर्स्ट पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न पढ़ाई थी और सेकंड गद्यांश का प्रश्न उत्तर आपको दिया गया था। तो एक एक पैराग्राफ को पढ़ाते हुए उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न जो है उसका हम आपको उत्तर समझाते जाएंगे। तो आप देखेंगे महाभारत की साज का शेष भाग, क्योंकि ये चैप्टर यह ऐसा नहीं है कि एक पेज हो गया, बस एक चैप्टर हो गया, तो ये चैप्टर आपका लंबा समय लेगा और एक एक दो दो गद्यांश को मैं पढ़ाऊंगी, फिर उसका एक्सप्लेन करूंगी, फिर गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न होगा उसका उत्तर। तो अभी आप पेज नंबर, आपके टेक्स्ट बुक आपके पास होगा, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70 को आप पढ़ चुके हैं। अब ये पेज नंबर 71, पहले उस गद्यांश को मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। युधिष्ठिर जोर से, अरे नीच, अभी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ, यदि बल है तो आ न बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। यहाँ बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है तू, क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों में से डर जाएंगे। यानी जब कौरव की तरफ की सारी सेना समाप्त हो चुकी थी, एक दुर्योधन बचा था और वह भी आहत हो चुका था, तो अपने प्राणों की रक्षा हेतु वह जो अद्वैत बन का तालाब था उसके जल स्तंभ में वह छिपा था, लेकिन किसी अहेरे में इनसे शिकारी, यानी किसी अहेरे के माध्यम से पता चला कि कौरव वहां छिपा हुआ है, तो वहां पांडव पहुंच जाते हैं युधिष्ठिर और भीम और उसे ललकारते हैं युद्ध के लिए। और यह क्या कहते हैं, अरे नीच, युधिष्ठिर कह रहे हैं, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ, यानी जो तुम इतनी घमंड भरी बातें आज तक कहता आया, जिसका परिणाम हुआ कि आज यह कौरव वंश समाप्त होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी अभी तुम्हारा घमंड चूर नहीं हुआ, तो क्या कर, यदि बल है तो आन बाहर, यानी युद्ध के लिए उसे ललकारते हैं कि यदि तुम्हारा घमंड नष्ट नहीं हुआ है तो तुम्हारे पास बहुत सारी ताकत है, तो सामने आ जा, हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। यानी अभी भी तुम्हारे अंदर ये मद है, ये गर्व है, ये अहंकार है कि हमारे पास बहुत शक्ति है, हम पराजित कर सकते हैं, तो फिर आज छिपा क्यों बैठा है, सामने आओ और पराजित करके अपना राज्य वापस करो, ले लो। फिर है, तू क्या समझता है, हाँ, हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर, वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है, क्योंकि उसी में से जल के बीच से ही यह बहुत सारी ललकारें, बहुत सारी वीरता की बातें कर रहा था, जिसे सुनकर के युधिष्ठिर ने ऐसा कहा है, तू क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों में, यानी झूठी बातों में। युधिष्ठिर ये कहते हैं कि तुम जो ये दम्भ भरी बातें कहते हो, जो तुम अभी भी मिथ्या अहंकार किए हो, तो तुम क्या समझते हो कि जो तुम ये तर्क वितर्क कर रहे हो, झूठे झूठे तर्क दे करके गलत ठहरा रहे हो, तो अब समय नहीं है, यदि इतना है तो अपनी झूठी बातों से हमें इधर उधर न करो, बहलाओ नहीं और फिर सामने आ जाओ। दुर्योधन कहता है, अपने स्वास्थ्य के लिए अपने गुर्जनों बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूं, पर युधिष्ठिर सुयोधन कायर नहीं, वह प्राण डरते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करता। सब कुछ हो जाने के बाद मरने की अवस्था तक यह पहुंच गया है, इसे यह सोचना चाहिए कि जो कौरव 100 पुत्र तो खुद ही थे, नारायणी सेना भी लिए थे और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, इतने बड़े बड़े लोग जब इन 5 पांडवों से पराजित हो गए, तब भी मैं क्यों ऐसे बातें करता हूं। लेकिन विनाश काले विकृत बुद्धि, जब व्यक्ति के पास अहंकार होता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है।
पांडवों के बहुत समझाने पर भी, बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मानता है। और फिर क्या कहता है कि स्वार्थी हमें बनाते हो युधिष्ठिर, तूने अपने बंधु बांधवों का, अपने गुरुजनों का, अपनों का वध किए हो और बड़े ही निर्ममता के साथ। महात्मा, पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं, यानी इतने लोगों का वध करने के बाद भी तुम्हारी अभी रक्त की प्यास बुझी नहीं है कि जो तुम एक अकेला मैं यहां आया हूं तब भी तुम पीछे आए हो। पर युधिष्ठिर, फिर देखो वही उसके पास अहंकार आ जाता है, जल स्तंभ में है, अकेला बचा है, मरने के कगार पर है, फिर भी उसके पास वही अहंकार उसको विवश कर रहा है। क्या कह रहा है कि तुम अपने बंधु बांधवों, अपने लोगों का निर्ममता के साथ वध किए हो, तुम्हारी ये रक्त की प्यास, जो तुमको ये प्यास लगी है पीने की, वह रक्त पी रहे हो, और फिर भी तुम कहते हो कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, और लालचवश, राज्य के लालचवश फिर तुम आज यहां आ गए। तो युधिष्ठिर, तू हमको, इस सुयोधन को कायर मत समझ। ये युधिष्ठिर से दुर्योधन कहता है कि कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। ये एक वीर का ये शब्द होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही, यदि वीर है तो न्याय के साथ, धर्म के साथ उसे लड़ना चाहिए। परंतु दुर्योधन हमेशा गलत तथ्यों को सामने प्रत्यक्ष रूप में कहता और गलत दलीलें दे करके अपने को सही साबित कर रहा था, इसलिए फिर उसका घमंड भरा शब्द निकलता है कि मेरे प्राण रहते हुए तुम्हारी सत्ता दुर्योधन स्वीकार नहीं कर सकता है। अब देखो इसमें प्रश्न है, अपने वर्कबुक में आप देखेंगे, आपका वर्कबुक है, देखेंगे, मात्र प्रश्न है यहाँ, इसका एक एक का उत्तर मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप इसको घर पे कर लेना। तो गद्यांश अभी जो मैं पढ़ी हुई है, पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त कथन किसने किससे कहे। तो देखो जो आप पढ़े हो कि अरे नीच, अभी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ, सो उपयुक्त कथन युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा। फिर क्वेश्चन है, किसका गर्व अभी चूर नहीं हुआ था। तो ये वाक्य किसने कहा, अरे नीच, अभी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में दिया है किसका गर्व अभी चूर नहीं हुआ था, तो लिखेंगे कि दुर्योधन, धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का गर्व पूरी सेना के समाप्त हो जाने के बाद भी, मात्र जो अकेला बचा था, फिर भी उसका अहंकार अभी समाप्त नहीं हुआ था। वक्ता ने ऐसा क्यों कहा, वक्ता कौन है, युधिष्ठिर, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है, उपर्युक्त कथन किससे कहा, तो उपर्युक्त कथन युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से कहा। फिर है, किसका गर्व अभी चूर नहीं हुआ था, तो महाराज दुर्योधन, क्योंकि अभी तो राजा था, दुर्योधन का राजपुत्र था, तो दुर्योधन का गर्व चूर नहीं हुआ था। फिर क्वेश्चन है उसी में कि वक्ता ने ऐसा क्यों कहा, वक्ता मीन्स युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा गर्व अभी तक चूर नहीं हुआ है, क्योंकि कौरव पक्ष के सारी सेनाओं को समाप्त कर दिया गया था, मात्र दुर्योधन बचा था, फिर भी वह लंबी लंबी बातें, झूठे तथ्यों को देता, और जो काम स्वयं कर रहा था वह काम वह पांडवों को के ऊपर लगा रहा था कि तुम लालची हो, तुम राज के लालच में अपने बंधु बांधवों का वध कर रहे हो। तो ये सब जो समाप्त हो गया था, इसीलिए पांडव उसे कह रहे हैं कि अभी भी तुम्हारा अहंकार समाप्त नहीं हुआ है दुर्योधन, जबकि तुम्हारे सभी लोग मारे गए, अब तुम अकेले बचे हो, अब तो अपना अहंकार छोड़ो, लेकिन फिर भी तुम अभी तक अहंकार से भरे हुए हो, तुम्हारा घमंड चूर नहीं हुआ, अर्थात तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी तुम्हारा अहंकार वही क्यों है।
अब देखो उसी गद्यान से संबंधित दूसरा प्रश्न है, यदि बल है तो आन बाहर वक्ता ने किसे कब तथा क्यों कहा? आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि यदि बल है तो आन बाहर और हमको पराजित करके, तो क्वेश्चन है कि यदि बल है तो आन बाहर वक्ता ने किसे कब तथा क्यों ललकारा? अब देखो जब दुर्योधन वक्ता ने किसे, वक्ता मीन्स युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कब तथा क्यों, किसने किसे कब तथा क्यों, तो वक्ता युधिष्ठिर ने दुर्योधन को तब कहा कि जब दुर्योधन जल में था और पांडवों के हंसने पर कह रहा था हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूं, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। तब दुर्योधन की ये अहंकार भरी बातें सुनकर के युधिष्ठिर ने ऐसा कहा। अब है क्यों कहा, तो क्यों इसलिए कहा कि दुर्योधन की सारी सेनाएं समाप्त हो चुकी थी, मात्र एक दुर्योधन बचा हुआ था, फिर भी वह अहंकार वाली बातें कर रहा था, इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि अब तो तुम्हारा घमंड समाप्त होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, मरने के कगार पर हो, फिर भी तुम यह अभिमान भरा शब्द कह रहे हो, इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर ने ये बात कहा है। अब तीसरा प्रश्न है, अरे नीच का संबोधन जिसके लिए प्रयोग किया गया है उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं, तो आपके वर्कबुक में दुर्योधन का चारित्रिक चित्रण दिया है, उसके बारे में आपके वर्कबुक में दिया हुआ है, उससे आप हेल्प लेकर के लिख लेंगे, लेसन भी पढ़े हैं, आपके वर्कबुक में ये दिया हुआ है साफ कि दुर्योधन कुलवंशी है, वह राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा है, दुर्योधन के हठ एवं अहंकार के कारण यह महाभारत युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र दुर्योधन से अत्यधिक प्रेम करता था, इसीलिए उसने दुर्योधन की किसी भी बात में दखल नहीं दिया। ये आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आप देख करके उससे लिख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने की घटना का उल्लेख कीजिए। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, अपनी भाभी मीन्स दुर्योधन के द्वारा द्रौपदी का सभा के बीच अपमानित करने से है, पांडव के साथ छल पूर्वक द्युत खेल का आरंभ हुआ, जिसमें पांडवों को अपने छल नीत के द्वारा, शकुनी छल नीत किया और उसके द्वारा पांडव हर एक चीज को हारते गए, यहां तक कि दुर्योधन अंत में अपनी पत्नी को लगाया, जिसे सुनकर इसलिए लगाया कि अब इनके पास कुछ नहीं है तो हम तो जीत ही जाएंगे छल से, और ये अपनी पत्नी को लगाएंगे क्योंकि अब उनके पास शेष कुछ नहीं बचा था, इसलिए दुर्योधन अपनी पत्नी को लगाता है, तो विवश होकर के युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं और उस द्युत खेल में हार जाते हैं। इसलिए दुर्योधन कहता है दुशासन से कि तुम जाओ और द्रौपदी का केश पकड़ करके घसीटते हुए इस सभा में लाओ, कारण कि ये अब हमारे सेवक हैं और द्रौपदी क्या है, वह दासी है, और खींचते हुए सुयोधन उसे लाता है और द्रौपदी उस सभा के बीच उपस्थित सभी महानुभावों से अनुनय विनय, रोते बिलखते हुए अनुनय विनय करती रह गई, लेकिन किसी का मुंह उन्हें बचाने के लिए नहीं खुला, कारण कि उस समय सभी लोग वचनबद्ध थे जबकि यह गलत था। पहले द्रोणाचार्य के द्वारा यह कहा भी गया
कि यह कुल वधु हैं, इनका अपमान करना सबका अपमान है। लेकिन दुर्योधन किसी की नहीं सुनता है और अंत में वह सभा के बीच में खसीटते हुए सुयोधन के द्वारा लाई गई और सभा के बीच में सुयोधन उनके चीर का हरण करने लगा। लेकिन कहा गया है कि जब आदमी सही मार्ग पर हो, जिसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला सहायक होता है। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण की कृपा से चीर इतना बढ़ता गया कि सुयोधन खींचते खींचते थक करके बैठ गया, पर चीर समाप्त नहीं हुआ। इस प्रकार हरि सभा में एक कुलवधू द्रौपदी को निर्वस्त्र करना, ये दुर्योधन के द्वारा अपनी भाभी को अपमान करना था, अपमानित करना था। ये गद्यांशार्थ का हो गया। अब देखेंगे आप ये तो ये हो चुका था। ये फर्स्ट सेकंड हो चुका था, फिर ये थर्ड है, इसका हो गया। अब आप पढ़ेंगे जिस कालाग्नि को, यदि उसमें देखो ये प्रश्न इजी इजी है, आप लिख लोगे। अब ये जिस कालाग्नि को पहले आप पढ़ेंगे, भीम कहते हैं तो फिर आन बाहर और दिखा अपना पराक्रम। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए, इसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुत लिए बिना शांत ना होगा। इसी गद्यांश पर आधारित चार प्रश्न है, इस गद्यांश पर आधारित चार प्रश्न है। पहले इस पैराग्राफ के बारे में आप समझोगे कि जब दुर्योधन भीम से युधिष्ठिर से ये कहता है कि आप अपने बंधुजनों का, अपने गुरुजनों का, अपने श्रेष्ठ जनों का निर्ममता के साथ वध किए, फिर भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी, पर तुम ध्यान रख कि सुयोधन जब तक जिंदा है तेरी सत्ता स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को सुनकर के भीम क्या कहते हैं, तो फिर बाहर निकल और अपने पराक्रम को दिखा। जिस कालाग्नि, इसको समझेंगे, जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, जिस कालाग्नि काल रूपी अग्नि, जिस काल रूपी अग्नि से को तुमने घी डाल करके उसको प्रज्वलित किया। जैसे आप देखते हैं जब हवन होता है और उस हवन में घी का अर्पण किया जाता है तो आग की लपटें और प्रज्वलित हो जाती है। तो भीम के कहने का अभिप्राय यह है कि तुम अपना काल स्वयं बुलाए हो, वर्षों यानी 13 वर्ष का वनवास था। तो उन्होंने कहा कि जिस कालाग्नि काल रूपी अग्नि को तूने इतने दिनों से, इतने वर्षों से घृत डाल डाल करके, यानी एक एक तरकीब लगा लगा करके दुर्योधन पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन पांडव हर षड्यंत्र से बच करके आगे निकलते गए। इसलिए भीम कहते हैं कि तुम काल रूपी अग्नि में षड्यंत्र रूपी घृत का आहुत दे करके इतने समय से जो उसको, आग की ज्वाला को और बढ़ाते जा रहे हो, अर्थात हम लोगों के क्रोध को, हम लोगों के विपरीत षड्यंत्र रच करके हम लोगों की ताकत को तुम बढ़ा रहे हो। तो जब तुम काल रूपी अग्नि में कृत का आहुत दे करके उसकी लपट को बढ़ाए हो, तो वह उस लपट में तो साथी, तुम्हारे जितने साथी थे वे सभी स्वाहा हो गए, अर्थात नष्ट हो गए। तो फिर उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? यानी जो काल रूपी अग्नि का तुम्ही ने प्रज्वलित किया है, अर्थात दुश्मनी तुम्ही ने पैदा किया, षड्यंत्र रच रच करके वन में हम लोग हैं, फिर भी
तुम हम लोग के पीछे षड्यंत्र रच करके हम लोग के मारने का प्रयास किया, अर्थात हम लोग को तुम और ताकतवर बनाए हो, हम लोग की गुस्सा हम लोग का क्रोध और बढ़ता गया, तो तुम्ही काल रूपी अग्नि में घृत डाल करके यह दुश्मनी पैदा किए हो, ये लपट पैदा किए हो, और उस अग्नि की ज्वाला में तुम्हारे सभी साथी स्वाहा हो गए अर्थात नष्ट हो गए, तो फिर अब तुम उस लपट से कैसे बच सकता है? जिस लपट में इतने सारे लोग नष्ट हो गए तो फिर अब तू अकेला बचा है, तो साथियों को तो नष्ट करते देखा, तो फिर अब तू क्यों इस घेरे से बचना चाहता है? अर्थात तुमको भी मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुत लिए बिना शांत न होगी। जैसे लोग कहते हैं कि हवन किए बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, वैसे ही ये भीम कहते हैं कि दुर्योधन, जिस अग्नि के लपटों को तूने घी डाल करके बढ़ाया है उसमें तो साथी नष्ट हो गए, अब तू एक बचा है, और तुमको आहुति लिए बिना ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी। अर्थात जब तक तुम मारे नहीं जाओगे तब तक हमारी जीत हासिल नहीं होगी। हमने जो संकल्प लिया है उसमें हम संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। अर्थात तुम्हारे आहुत के बिना यह यज्ञ अधूरा रहेगा, यानी तुम्हारे मरने के बिना यह सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब देखो इससे पैराग्राफ, इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है, पामर ने ये जिस कालाग्नि को, कालाग्नि शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है और क्यों? अभी आप पढ़े हो तो कालाग्नि शब्द का प्रयोग काल रूपी अग्नि के लिए प्रयोग किया गया है, किस संदर्भ में? तो यह उस संदर्भ में कहा गया है कि वनवास के समय भी कौरवों के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा अनेक जो पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया है, उस षड्यंत्र के संबंध में यह कहा गया कि तूने ऐसा षड्यंत्र रचा कि वन में भी जा करके हम लोग जीवित ना आए मर जाए, इसके लिए तूने कूटनीति की का सहारा भी लिया। तो जिस काल रूपी अग्नि में घृत डाल करके तूने उसके लपटों को बढ़ाया है उसमें तुम्हारे सारे साथी मर गए, अब तू उससे बच नहीं सकता है, उसी संबंध में ये वाक्य कहा गया है। किसके साथी कब और क्यों स्वाहा हो गए यानी नष्ट हो गए? तो दुर्योधन, धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के, यहाँ पर दुर्योधन के लिए कहा जा रहा है जो कि धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्रों में से सबसे बड़ा, 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था, ज्येष्ठ पुत्र था, उस दुर्योधन के लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारे सभी साथी तुम्हारे द्वारा प्रज्वलित आपकी लपटों में, तुम्हारे द्वारा घी डाल करके जो उसको प्रज्वलित किया गया उस लपटों में तुम्हारे सभी साथी नष्ट हो गए। क्यों स्वाहा हो गए? तो मारे गए पांडवों के द्वारा, क्योंकि यह दुश्मनी मोल लिया था दुर्योधन ने, और वनवास के बाद भी दुर्योधन सुई के नोक के बराबर भी राज देने को तैयार नहीं हुआ था, इसलिए यह पराजय यह दुर्योधन का है। तो क्वेश्चन के आधार पर लिखेंगे कि कालाग्नि का शब्द का प्रयोग किस रूप में और क्यों हुआ? तो कालाग्नि रूपी यानी काल रूपी अग्नि का प्रयोग दुर्योधन के द्वारा किए हुए षड्यंत्र के लिए किया गया है कि जिस दुश्मनी को वह पैदा किया वह वन में भी इन लोगों को शांति से नहीं रहने दिया और एक एक षड्यंत्र रच करके उन्हें मारने की कोशिश की, उसी संदर्भ में किया गया है कि जब वह केवल अकेले बचा था तब भीम ने उसे कहा कि अब भी तुम्हारा अहंकार नष्ट नहीं हुआ तो सामने आ, अब तुम बच नहीं सकते। दूसरा प्रश्न है घृत शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो शाब्दिक अर्थ कि घृत शब्द का प्रयोग अग्नि में आहुति देने के लिए, उसको
अग्नि में घी को अर्पण करने के लिए कहा गया है कि अग्नि में घी का अर्पण किया जाता है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो यहाँ यह दिखाया गया है कि दुर्योधन, तूने पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रच करके, दुश्मनी पैदा करके उस दुश्मनी को तूने बढ़ाया है और उसमें एक एक षड्यंत्र गलत का सहारा लेकर के, झूठ का सहारा लेकर के तुम उसमें उनकी दुश्मनी को बढ़ाते गए हो, इसलिए अब पांडव शांत रहने वाले नहीं हैं। अब है तीसरा प्रश्न, वक्ता कौन है उसका परिचय। तो इसमें आप देखे हैं, जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य भीम का है। उपर्युक्त तो वाक्य युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम का है। वह उनका परिचय संक्षिप्त देना है तो वह अपने सभी भाइयों में बहुत ही बलशाली थे, गदा युद्ध में बहुत ही पराक्रमी थे और उन्हें भी कई हाथियों का बल उन्हें प्राप्त था, इसलिए उन्होंने ही सभा के बीच यह, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो उन्होंने ही यह संकल्प लिया था कि जिस केश को तुम्हारे हाथ खींचे हैं उस केश का अंत मैं युद्ध में तुम्हें पराजित करके, तुम्हें मार करके उनके रक्त से उनके केशों को धुलूंगा। तो इसके आगे ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब ये फोर्थ पैराग्राफ आपका होमवर्क रहेगा। फोर्थ पैराग्राफ पेज नंबर 75, फोर्थ पैराग्राफ होमवर्क, उसमें भी चार प्रश्न है जिसमें, अरे कामस तेरा धर्म तब कहाँ था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। ये पैराग्राफ मैं आपको पहले ही बताई हूँ तो ये होमवर्क कर लेना, फिर मैं आपको इसके आगे दूसरा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।